अगर दोस्तों कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज़्यादा नहीं, चलते हैं बोर्ड में और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया था? इसका आंसर है बी एन राव। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 1976 को, यानी कि 1976। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 41वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों यह है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? ये ली गई है जर्मनी के बीमर संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? दोस्तों ये है चौथे भाग में। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? दोस्तों भारत के नागरिकों को प्रकार के ही नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कि अगर दोस्तों आप 7 साल तक बाहर रहते हैं, कहीं दूसरे देश में रहते हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? वह है गोवा। नेक्स्ट, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 368। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? यह है अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? 86 संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यह है दोस्तों 2 बार। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह दोस्तों है अनुच्छेद 300 कौमे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वो अनुच्छेद 123, यानी कि अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ये अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, कौन सा होता है? ये दोस्तों संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट,
शासकीय आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? यह दोस्तों 12वीं। 12वीं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो है दोस्तों 12। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? दोस्तों इसका आधार है, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में से लागू हुई है। नेक्स्ट, 46वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं? ये दोस्तों बढ़ाए गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। नेक्स्ट, संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? दोस्तों संविधान को बनाने में जो समय लगा है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संसदीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। यानी कि दोस्तों कोई भी उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? ये दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, अगर दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटे का बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसे वीडियो यूट्यूब में अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।